एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि, निधिस किचन में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गर्मियों में पीने वाले केल का शरबत, जो बहुत ही गर्मियों में लोग पसंद करते हैं। इससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मियों में हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के जूस शरबत पीने का बहुत मन करता है। और आप लोग मेरे व्लॉग के थ्रू, वीडियो के थ्रू ही जानते हैं कि अभी हम गांव गए थे, यानी कि बनारस। तो यहां पे देखिए, आपने मेरा बनारस में गंगा आरती का वीडियो देखा होगा। तो हम गाँव से है ना, इस तरीके से बेल जो होते हैं ना, वो अभी हम तोड़ के लेके आए थे। और ये देखिए, इस तरीके से ना हमें इसे ज़ोर से, किसी भी भारी चीज़ से अगर आप इसे मारेंगे ना इसके ऊपर, तो ये अच्छी तरीके से फट जाता है। और ये काफ़ी अंदर से थोड़ा चिपचिपा सा होता है। तो ये देखिए, अभी अगर ये और भी कुछ दिन पेड़ पे रहे होते ना, तो ये और भी अच्छे मतलब लगते हैं, काफ़ी मीठे हो जाते हैं। पर फिर भी जैसा भी था, बहुत अच्छा था, मीठा था। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ना हमें इससे जो गुदे हैं ना, ये सारे हमें निकाल लेना है। तो मैंने तो यहाँ पे एक स्पून की मदद से मैं निकाल रही हूँ। आप चाहे तो हाथों से, या मतलब बहुत ज़्यादा पका रहता है ना तो बहुत ही इजीली निकल जाता है ये, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से इसे हमें निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे भी दूसरा बर्तन ले लेती हूँ, इस तरीके का कोई बाउल ले लीजिए। तो यहाँ पर अभी हम इसमें जो हम गूदे निकालेंगे उसे हम इसमें डाल लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें गरम पानी डालेंगे, जिसे मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी मैं इसमें गरम पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पे ना इसे हमें 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रख देना है, जिससे कि इसके जो गुदे हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएंगे और आराम से ही मतलब एकदम ईजीली निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें इसे रख देना है। और यहाँ पे अभी हम इसे जल्दी तोड़ लाए थे, इसके लिए हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे आप नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने तो 20 से 25 मिनट इसे रख दिया था पानी में, और आप देख सकते हैं कि कुछ अच्छी तरीके से ये गुदे जो है वो कुछ अपने आप ही अलग हो गए हैं। तो इस तरीके से हम हाथों से थोड़ा सा इसे क्लीन करके निकाल देंगे। और यहाँ पे देखिए, आप एक दूसरा बाउल ले लीजिए, और आपके पास कोई भी स्टेनर हो तो आप उसमें इस तरीके से इसे छान लीजिए, ताकि आपका जो शरबत है वो बहुत अच्छी तरीके से बनके तैयार हो और आपको पीने में बिल्कुल ऐसा लगे कि आप बाहर से पी रहे हैं, लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाया है। और पता है, गांव में हमारे ना यहाँ इसमें गुड़ डालते हैं और कुछ लोग इसमें दूध भी डालते हैं, पर मैंने यहाँ पे नॉर्मल शक्कर से बनाया है। गुड़ था मेरे पास, लेकिन मुझे गुड़ का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ गुड़ का। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे इंजॉय करते हैं गुड़ की कोई भी चीज़ हो तो। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसमें आइस डाल रही हूँ, क्यूब डाल के इसे सर्व करिए और भी ज़्यादा ठंडा बनाने के लिए, और बहुत ही अच्छी शरबत को इंजॉय करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, फिर से मिलूंगी आप लोगों से नए वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।